Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about biosimilars and the concept of evergrading of patents. टॉपिक डिस्कशन जीएस पेपर टू गवर्नेंस परस्पेक्टिव से स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एज वेल एज जी एस पेपर थ्री इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है सबसे पहले समझते हैं बायोसिमिलर्स क्या होते हैं इनके बारे में देखिए जो भी दवाइयाँ जो भी मेडिसिन जिनमें लिविंग सेल्स डिराइव फ्रॉम ईस्ट बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है उन सबको कहा जाता है बायो फार्मास्यूटिकल्स बायो मतलब होता ही है लाइफ तो लिविंग सेल्स का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनको कहा जाता है बायो फार्मास्यूटिकल्स अनलाइक द कन्वेंशनल ड्रग्स जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है बायो फार्मास्यूटिकल्स में लिविंग सेल्स का इस्तेमाल होता है डिराइड फ्रॉम दीज लिविंग एंटिटीज और आजकल बायो फार्मास्यूटिकल्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस लाइक कैंसर डायबिटीज या कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस वगैरह इनमें बायो फार्मास्यूटिकल्स का खूब सारा इस्तेमाल हो रहा है आप समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिमिलर्स तो बायोसिमिलर्स ऐसे आप, आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल इंटिटीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो एक बायोफार्मास्यूटिकल मेडिसिन के एफिकेसी को मीट करते हैं क्या मतलब इसका समझते हैं देखिए ये कोई दवाई है बायोफार्मास्यूटिकल अब इससे जो भी इलाज होता है मान लीजिए कि इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन्स को ट्रीट करके नॉर्मल इंटेस्टाइन्स आ, डेवलप करने में एक पेशेंट के अंदर ये बायोफार्मास्यूटिकल हेल्पफुल होता है मान लीजिए तो अगर इसी तरीके का बायोफार्मास्यूटिकल अगर किसी दूसरे मेथड से एंड दैट टू हैविंग डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपोजिशन एंड अदर केमिकल कंपोजिशन अगर बनाया जा सका तो इसको कहा जाएगा इसका इस बायो फार्मास्यूटिकल का बायोसिमिलर तो बायोसिमिलर इन सिंपल टर्म्स आर बायोलॉजिक सबस्टेंसेस दैट आर सिमिलर टू so, द बायो फार्मास्यूटिकल्स आज फार आज देयर एफिकेसी इन ट्रीटिंग एनी डिसऑर्डर इज कंसर्न भले इसमें केमिकल अलग इस्तेमाल हो बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट अलग इस्तेमाल हो बट इट इज वेरी सिमिलर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस बायोलॉजिकल ड्रग इट एक्ट्स इन सेम वे बट इट इज नॉट द सेम बायोलॉजिक कॉम्पोनेंट ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बायो सिमिलर भारत के अंदर बायोसिमिलर मार्केट लगातार अब डेवलप हो रहा है और बायोसिमिलर मार्केट में इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज ए पायोनियर। इनफैक्ट भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने बायोसिमिलर प्रोडक्ट बनाया फॉर ट्रीटिंग हेपेटाइटिस बी तो मतलब उसके लिए पहले से बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है बस उसका एक सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट भारत में बनाया गया इनफैक्ट 98 एट अप्रूव आर नाउ देयर इन इंडिया जिसमें से 50 आर बीइंग इवेन यूज इन द मार्केट विच इज मोस्ट फॉर एनी कंट्री भारत के बनाए हुए बायोसिमिलर जो है नाउ दे आर अप्रूव्ड इन अमेरिकन मार्केट ऑल्सो आई जस्ट होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल समझ आया बायोलॉजिक सब्सटेंसेस विच आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सर्टेन डिसऑर्डर्स और उनको मिमिक करने वाले एज फार एज देयर एफिक्ड जो बायोलॉजिक सबस्टांसेस उनको कहा जाएगा बायोसिमिलर अब बायोसिमिलर्स एंड एसोसिएटेड रिसर्च एंड एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए नेशनल बायो फार्मा मिशन लेकर के आई भारत सरकार अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यह 250 मिलियन डॉलर का यह इनिशिएटिव है विच इज को फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक इस नेशनल बायो फार्मा मिशन के अंतर्गत इंडस्ट्रीज जो बायोसिमिलर्स प्रोड्यूस करने में लगे हैं प्लस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो इस डायरेक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन डेवलप कराया जाएगा 150 से भी ज्यादा एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस 300 से भी ज्यादा एम उनके लिए 21 वन सेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाए गए हैं जहां पे रिसर्च और बायो मैन्युफैक्चरिंग हो पाए ताकि ज्यादा से ज़्यादा बायोसिमिलर्स डेवलप किए जा सके ये जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट और इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन उनके ट्रायल्स के दौरान इन्होंने खूब सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया तो नेशनल बायोफार्मा मिशन आप कह सकते हैं इट वुड बी पिवोटल इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये तो हमने समझा बायो सिमिलर्स के बारे में और बायोसिमिलर्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार की इनिशिएटिव नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में बट इन सब के बावजूद भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया बट अभी काफी सारे हिंडरेंसेज आ रहे हैं इन डेवलपमेंट बायोसिमिलर्स और वो हिंडरेंसेज के पीछे एक बड़ा कारण है बैरियर्स बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ बायोसिमिलस उसके पीछे बड़ा कारण है द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट एवर ग्रीनिंग पेटेंट एवर ग्रीनिंग जो है वो बायोसिमिलर मार्केट को फर्दर डेवलप होने नहीं दे रहा है अभी तक तो अच्छा खासा डेवलप हुआ है बट फ्यूचर इसका काफी अच्छा है अगर कॉमर्शियल परसपेक्टिव से देखा जाए या मेडिकल परपसेस से देखा जाए ट्रीटमेंट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इसका फ्यूचर काफी अच्छा है लेकिन इसके डेवलपमेंट में एक ही प्रॉब्लम आ रही है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट एवरग्रीनिंग पेटेंट एवरग्रीनिंग कैसे बायोसिमिलर मार्केट को डेवलप होने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसको समझेंगे लेकिन उसके पहले ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ऑफ पेटेंट देखिए हम लोग जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट है इसने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की तो ये टेक्नोलॉजी इस साइंटिस्ट के कही जाएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो टेक्नोलॉजी इज वन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं जैसे कि पोएट्री लिख दी किसी ने कोई म्यूजिक बना दिया तो इन सब को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी ने कुछ बुक लिख दी तो इनको कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस क्रिएशन ऑफ माइंड प्रॉपर्टी ऑफ माइंड अब इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना जरूरी है जैसे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है सरकार पुलिस आर्मी आपने घर बनाया आपकी जमीन है तो कोई जबरदस्ती छीन नहीं सकता ना वैसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगर कुछ बनाया है तो उसमें पूरा पूरा आपका अधिकार है कि उसका कैसे कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाए या तो आप उस टेक्नोलॉजी की मदद से खुद ही प्रोडक्शन करें अपने फैक्ट्री में या तो आप किसी दूसरे कंपनी को परमिट करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए तो आपका हक है कि आप उसके बदले में कुछ रॉयल्टी पैसे चार्ज करें तो द पर्सन इन्वेंटेड दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज राइट टू मेक कॉमर्शियल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय हिम और हर और इसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर कॉन्सेप्ट लाया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत फिर अलग अलग प्रोटेक्शन दिए जाते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है तो फिर आपको उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराना होगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आपने टेक्नोलॉजी बनाई है तो आप उसको पेटेंट करा लें इन पेटेंट ऑफिस मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को कोई और इस्तेमाल आपके बिना प्रायर परमिशन के नहीं कर सकता वैसे ही अगर आपने मान लीजिए कोई लिटरेरी प्रोडक्ट बनाया है मान लीजिए बुक लिखी है कविताएं लिखी हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा कॉपी राइट्स वो भी एक तरीका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन का तो आई जस्ट होप आपको यहाँ पे इस पेज की बात समझ आई कि जो भी हमारे क्रिएशन ऑफ माइंड होते उनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए फिर अलग अलग तरीके के नॉर्म्स लाए गए हैं जैसे पेटेंट राइट्स लाए गए हैं कॉपी राइट्स लाए गए हैं पेटेंट राइट्स, राइट्स फॉर प्रोटेक्टिंग Technology as an intellectual प्रोडक्ट ठीक है सो राइट नाउ वी विल लिमिट आवर सेल्फ टू पेटेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट यू सी अलग अलग फील्ड में जब कंपनियां नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती हैं तो उन टेक्नोलॉजी को वो पेटेंट करा सकती हैं टू प्रिवेंट मिस यूज बाई देअर कॉम्पिटिटर्स विदाउट गिविंग देम देयर ड्यू इकोनॉमिक सेयर तो इसके लिए कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती हैं ताकि कोई उसका बिना उनके प्रायर परमिशन के इस्तेमाल ना करे तो पेटेंट अलग अलग फील्ड में होता है इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल फील्ड तो मान लीजिए कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई नई दवाई जिसकी किसी नई तरह की बीमारी को ट्रीट करने में इफेक्टिव रोल है उस दवाई को डेवलप कर लिया आफ्टर डूइंग अलॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास अब हक है कि उस नई दवाई को वो पेटेंट करा ले इससे होगा क्या कि अब कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस दवाई को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है बिना जो ओरिजिनल इन्वेंटर कंपनी है उसके परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर पाएगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर मेडिसिन तो इस तरीके से पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं भारत में फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज पेटेंट राइट्स भारत के अंदर दिए जाते हैं बीस साल के लिए प्रोवाइडेड की द कंपनीज पे देयर एन्यूटी फीस हर साल थोड़ा तो बहुत फीस देना पड़ता है तो पेटेंट राइट्स 20 साल के लिए रहते हैं लेकिन एक बार जब बीस साल पूरे हो गए तो उसके बाद पेटेंट्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं बिना किसी परमिशन के तो जो पेटेंटेड दवाइयां होती हैं उनको कहा जाता है ब्रांडेड मेडिसिन और एक बार जब उनका पेटेंट लैप्स हो गया तो उन्हीं का फिर जेनेरिक वर्जन बनाया जा सकता है जो काफी सस्ता होता है ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक वर्जन जो काफी चीप होता है वैसे ही अगर कोई मान लीजिए कि बायो फार्मास्यूटिकल बनाया गया है बायोलॉजिक तो आप कह सकते हैं कि उनका जो चीपर वर्जन है उनको हम लोग कहेंगे बायो सिमिलर्स चीपर वर्जन को हम लोग कहेंगे सिमिलर अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जिस कंपनी ने मान लीजिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन बनाया है जो पेटेंटेड है वो ब्रांडेड ड्रग्स है उसको 20 साल के लिए तो पेटेंट लिया उस कंपनी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जब पेटेंट एक्सपायरी का टाइम आया उस मेडिसिन में थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं वो लोग प्रीवियल इनसिग्निफिकेंट वेरिएशन थोड़े से कर दिए जैसे कि ये मान लीजिए ओरिजिनल मेडिसिन इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर दिए और फिर 20 साल के लिए पेटेंट ले लिया फिर जब और 20 साल पूरे होने को आए तो उसमें फिर से थोड़े से बदलाव कर दिया और फिर से 20 साल के लिए पेटेंट ले लिया और जब एक बार पूरे प्रोडक्ट को पेटेंट मिल गया तो फिर से कोई कंपनी ये बेसिक प्रोडक्ट भी नहीं बना पाती है और इस तरीके से पेटेंट्स को ये लोग कंपनियां 20-20 साल करके लगातार एक्सटेंड करते हैं क्रोसिन लेकर क्या है कुछ 20 साल बाद बोल देंगे क्रोसिन प्लस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल। फिर क्रोसिन डबल प्लस कर देंगे तो सच फेनोमिनाज इन ऑर्डर टू अवॉइड द लैपसिंग ऑफ पेटेंट इवन आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स अडोप्टेड या सच

कि मेयर डिस्कवरी इसके अंतर्गत कहा गया है कि मेयर डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फॉर्म ऑफ सबस्टांस विच नॉट रिजल्ट इन एनहांसमेंट ऑफ एफिकेसी नॉट बी पेटेंटेबल ये नहीं कि आपने बस थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए और उसको एक नया सब्सटांस बना दिया और फिर से पूरे प्रोडक्ट का आपने पेटेंट लिया दैट इज नॉट अलाउड तो एज पर सेक्शन थ्री क्लॉज डी आपको प्रूव करना होगा कि द न्यू प्रोडक्ट एफिकेसी वाइज पुराने प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा कैपेबल है ज्यादा इफेक्टिव है तभी तो जाकर के आपको न्यू प्रोडक्ट के लिए पेटेंट मिलेगा अदरवाइज इट इज नॉट पैटेंटेबल बट ये आर्टिकल कहता है कि डिस्पाइट सच लीगल सेफ गार्डस द प्रॉब ऑफ पेटेंट एवर ग्रीनिंग कंटिन्यूज इन द कंट्री इन वन फॉर्म और दर दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिबिलिटी टू जेनेरिक ड्रग्स जब हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल दवाइयों के केस में तो उसमें होते हैं ब्रांडेड ड्रग्स और उनका चीपर वर्जन होता है जेनरिक ड्रग्स जब हम बात करते हैं बायो फार्मास्यूटिकल के फॉर्मेट में तो इनका चीपर वर्जन होता है बायोसिमिलर्स प्रॉब्लम क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एवर ऑफ पेटेंट्स डज नॉट अलाउ द चीपर वर्जन ऑफ जेनरिक ड्रग्स या बायोसिमिलर्स अवेलेबल टू द कॉमन पब्लिक विच अनिली पूसेस अप द मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड दैट हैजकोर्स हाई निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पुअर पॉपुलेशन ये आर्टिकल कहता है कि डिस्पाइट लीगल सेफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे गेट वन वे और द अदर टू एवर ग्रीन देयर पेटेंट्स फॉर देयर कन्वेंशनल मेडिसिन एज वेल एज बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड दे डोंट अलाउ जेनरिक मेडिसिन या फिर बायोसिमिलर्स टू गेट प्रोड्यूस्ड एंड सेल इन द मार्केट इसी से रिलेटेड करेंट डेवलपमेंट है जहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है रोसे उसका एक मेडिसिन है हर्सेप्टिन नाम से बिकता है केमिकल इज रास्टू जुमैब इट इज यूज्ड इट्स अ बायोफार्मास्यूटिकल या बायोलॉजिक यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर इसका हाल फिलहाल में पेटेंट लैप्स हो रहा था 20 साल पूरे हो रहे थे तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके वापस इसको पेटेंट को एवरग्रीन करने की कोशिश की गई है और हो भी गया है दैट इज अ प्रॉब्लम तो इसी कारण से आर्टिकल आया है दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 21st लाइव स्टॉक दिस टॉपिक इज जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनोमी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा बायोसिमिलर्स एंड एवर ग्रेनिंग ऑफ पेटेंट्स पे मैंने एक मेंस क्वेश्चन बनाया है थ सॉल्यूशन, बट मैं यहाँ इसमें ऐड करना आज मिस हो गया मुझसे सो इन द पी डी एफ आई विल बी एडिंग दैट ठीक है इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है देखते हैं ये क्या टॉपिक है लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक पहले देख ही लेते हैं होते क्या है एंड देन वी विल कम टू द टॉपिक सेंसर समझने से पहले देखिए कैटल्स क्या होते हैं पहले hmm. वो समझिए कैटल मीन काउ एंड रिलेटेड फैमिली लाइक बुल एंड स्टीयर्स दे कम टू द कैटल फैमिली बट इसका एक आप कह सकते हैं सपर सुपरसेट होता है टर्म लाइफ स्टॉक विच इंक्लूड्स कैटल एज वेल एज गोट बुफेलो सिप हॉर्सेस कलेक्टिवली आर नॉट एज लाइव स्टॉक्स लाइफ स्टॉक्स के अलावा पोल्ट्रीज तो आप जानते ही है मीट एग इन सब एक्टिविटीज को कहा जाता है पोल्ट्री एक्टिविटीज अभी हर पांच साल पे लाइव स्टॉक सेंसस होता है हमारे देश के अंदर लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग पोल्ट्री एज वेल एज ट्रे एनिमल्स का हेड काउंट किया जाता है तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रे एनिमल्स का भी हेड काउंट किया जाता है अंडर लाइफ स्टॉक सेंसस इसमें उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे कि स्पीसीज कौन सा है ब्रीड एज सेक्स ओनरशिप स्टेटस ये सब देखा जाता है 1919 से ही लाइफ स्टॉक सेंसस हमारे देश में कंडक्ट कराया जा रहा है एवरी फिफ्थ ईयर 20 लाइफ स्टॉक सेंसस अभी तक हो चुके हैं द लास्ट लाइफ स्टॉक सेंसस दैट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2019। उसके हिसाब से टोटल हमारे देश के अंदर 535 मिलियन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है अब करंट न्यूज यही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेरी ने लॉन्च किया है ट्वेंटी फर्स्ट स्टॉक सेंसस तो इसमें 16 अलग अलग तरीके के एनिमल स्पीसीज के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा दीज सिक्सटीन स्पीसीज आर दीस ओनली कैटल बुफेलो मिथुन योक सिप गोट पिग कैमल हॉर्स पोनी स्म्यूल डंकी डॉग रैबिट एंड एलिफेंट एक बार नाम देख लीजिएगा और प्रिम से पहले तो हम लोग को फिर से देखना ही है क्योंकि लाइफ स्टॉक सेंसस शुरू हुआ इस साल वो ऐसे छोटी मोटी चीजें जैसे मुझे लगता है पे स्ट्री एनिमल्स पे प्रश्न बन सकता है वो पूछ सकता है कि लाइफ स्टॉक सेंसस में कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड हैं या नहीं है तो सोच के लगे कि शायद से एलिफेंट नहीं होंगे रैबिट नहीं होगा बट हैं, ठीक है ये सब एक बार देखना होगा बिफोर प्रॉब्लम्स इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे फ्लुएंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लीज दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पेंडेमिक फंड फॉर जूनोटिक डिजीजेस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेगमेंट जूनोटिक डिजीजेस होते क्या है देखिए जूनोसिस टू द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन तो जानवरों से अगर कोई पैथोजेन जो हमें बीमार कर सकता है अगर वो ट्रांसमिट हो इंसानों तक तो इस प्रोसेस को या उस फेनोमिना कहा जाता है जूनोसिस और जूनोसिस फेनोमिना से बीमारियां हो सकती हैं जिनको कहा जाता है जूनोटिक डिजीजेस जूनोटिक डिजीजेस कैन बी बैक्टीरियल वायरल पैरासाइटिक अलग अलग तरह की जूनोटिक डिजीज जैसे कि रेबी सार्स मर्स कोविड नाइनटीन इवन एच

का इस्तेमाल करने का फैसला किया है इन ऑर्डर टू करप जूनोटिक डिजीजेस एंड क्रिएट अवेयरनेस विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी तो जी ट्वेंटी पैंडेमिक फंड बनाया गया था ड्यूरिंग द जी ट्वेंटी चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जी ट्वेंटी पैंडेमिक फंड का अब इस्तेमाल किया जाएगा भारत सरकार द्वारा ताकि जूनोटिक डिजीजेस को कर्व किया जा सके और एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके जी ट्वेंटी पैंडेमिक फाइनेंशियल इनिशिएटिव स्टैब्लिश बाय द जी ट्वेंटी तो ग्लोबल प्रिपेरेडनेस अगेंस्ट द पैंडेमिक एंड जूनोटिक डिजीजेस तो ये जी ट्वेंटी फंड को अब इंप्लीमेंट किया जाएगा इन ऑर्डर टू अचीव दीज टू गोल्स इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड कॉमेंट सेक्शन डिजिटल अरेस्ट दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फॉर मारेबा जीएसपी थ्री इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ डिजिटल जिसके कई सारे लोग विक्टिम हो रहे हैं जिसमें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं फ्रॉडस्टर्स हैं वो इम्पोर्सनेट करते हैं मतलब अपने आपको दिखाते हैं कि दे आर सम लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जैसे पुलिस ऑफिसर है सीबीआई वाले हैं और फिर वो विक्टिम को टारगेट करते हैं थ्रू कॉल्स वीडियो कॉल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू स्काइप एंड ऑल। और वहां पे वो विक्टिम टारगेट विक्टिम को थ्रेटन करते हैं और उनसे कैसे भी करके पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं इन फ्रॉड मैनर इसके लिए मोस्टली ये क्या तरीके अपनाते हैं ये कॉल करेंगे या तो वीडियो कॉल करेंगे और फिर कहेंगे कि आपके किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को हमने अरेस्ट किया है अंडर ए पर्टिकुलर केस कि उसके साथ बहुत सारा ड्रग्स मिला है और हम सोच रहे हैं कि हम इसको छोड़ दें लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे कुछ पैसा आप दोगे तभी छोड़ेंगे इसको और वो कॉल करेगा वो बिल्कुल पुलिस के यूनिफॉर्म में होगा हो सकता है पुलिस ऑफिस हेडक्वार्टर सी ऑफिस वगैरह भी दिखाए ये सब कुछ ये लोग फ्रॉड तरीके से बनाते हैं इसके लिए लोग अलग से स्टूडियो में ये सब चीजें बना देते हैं और फिर वो विक्टिम को ये भी कहते हैं टारगेट विक्टिम को कि फोन मत काटना या वीडियो कॉल मत काटना टाइम नहीं देते बिल्कुल ताकि आप क्रॉस चेक कर पाओ कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है बोले आप फोन काटोगे वीडियो कॉल काटोगे हम इसको जेल भेज देंगे इसके खिलाफ केस कर देंगे और जब केस हो जाएगा फिर आप बचा नहीं पाओगे अभी चुपचाप से पैसे ट्रांसफर कर दो हम बिना केस किए इसको छोड़ देते इस तरीके की जल्दीबाजी करके वो टारगेट विक्टिम के नर्व्स के साथ खेलते हैं और जल्दी जल्दी में फिर टारगेट विक्टिम जो होता है वो पैसे ट्रांसफर कर बैठता है दिस इज काइंड ऑफ साइबर क्राइम कमिंग अप डेज नोन एज डिजिटल अरेस्ट इसको डिजिटल अरेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसमें फ्रॉडस्टर होते हैं वो विक्टिम को फोन डिस्कनेक्ट करने नहीं देते वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करने देते बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं आप फोन कट करोगे फिर हम या वीडियो कॉन्फ्रेंस कट करोगे हम केस कर देंगे हम या हम एक्शन ले लेंगे तो इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और विक्टिम को नर्वस करके उससे पैसे निकलवाने की कोशिश की जाती है इस तरीके का एक केस आया था जहां पे लेडी डॉक्टर व स्विंडल्ड विथ रूपीज थ्री करोड़ तीन करोड़ फ्रॉडस्टर्स ने साइबर क्रिमिनल्स ने निकलवा लिए उनसे उनको डिजिटल अरेस्ट करके वाइट डिजिटल आरिस्ट आज बीन न्यूज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम के हंड्रेड एडिशन में डिजिटल आरिस्ट के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पर उन्होंने एक एप ऑडियो क्लिप भी शेयर किया सुनाया कि कैसे ये फ्रॉडस्टर्स कॉल करते हैं और पैसे निकालने की कोशिश करते हैं उन्होंने ये भी कहा कि का क्या फायदा इसको लेकर के एपीएससी में पिछले साल मेंस में प्रश्न आया था तो मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी अलग अलग एरियाज पे चर्चा करते हैं जिससे अवेयरनेस डेवलप होता है अलग अलग भारत सरकार की स्कीम्स को लेकर के वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं टूरिज्म प्रमोट करते हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस इन्वायरमेंटल डैमेजेस को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं उसमें एक नई चीज भी ऐड कर देंगे अवेयरनेस अगेंस्ट साइबर क्राइम को भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बाई रेजिंग सच अवेयरनेस इशूज एंड इशूज लाइक साइब डिजिटल आर ये सब भी लिखा जा सकता है इस डिस्कशन के बेसिस पे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन गे

एसोसिएशन विथ रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड बायोगैस होता क्या है देखिए जो भी लाइफ स्टॉक वेस्ट है उसके अलावा है, या फूड वेस्टेज है इसको एक डाइजेस्टर प्लांट में डाल दिया जाता है एन एरो डाइजेस्टर मतलब इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको डाल दिया जाता है तो इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन को कहा जाता है एन एरो डाइजेस्टर्स जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो उस केस में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देर आर सर्टेन सर्ट इन बैक्टीरियाज डाइजेशन प्रोसेस यानी किस ऑफ ऑक्सीजन दे डाइजेस्ट सच ऑर्गेनिक वेस्ट और उस प्रोसेस में दे कन्वर्ट दीज ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू बायोगैस बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो विच कैन बी यूज फॉर हीटिंग पर्पज ऑल्सो और जो बच गया इसके बावजूद भी एनरोबिक डाइजेसन के बावजूद भी जो आ, लेफ्ट ओवर रह गया उसको कहा जाता है डाइजेस्टेट दैट कैन बी यूज फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल के साथ उसको मिक्स किया जा सकता है ताकि सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी बढ़ जाए तो पॉइंट है कि वेस्ट को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस बायो गैस डाइजेस्टर प्लांट और इसी तरीके का बायोगैस डाइजेस्टर प्लांट लगाया जाएगा हमारे असम स्टेट के अंदर इन एसोसिएशन रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड इससे दो फायदे हो गए एक तो वेस्ट मैनेजमेंट भी हुआ बेहतर दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन भी होगा इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज बाय फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी ट एरियाज इनकम ऑर्गमेंटेशन फॉर फार्मर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी बेहतर होगा विथ हेल्प ऑफ दिस बायो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इन द स्टेट इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रसन्न आपको दिया है प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है छह महीने के अंदर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर विल नॉट बी डिस्कवालीफाइड उसके बाद जाएंगे सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो काफी सरल प्रश्न था करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग